जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों का रैली परेड निकाला गया था। और इसी बीच दोस्तों बता दें कि सड़कों पर बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें लगभग 45 बच्चों की जान जा चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि इस बड़े दर्दनाक हादसे और घटने में लगभग 30 से ज्यादा बच्चे घायल थे, जिन्हें अस्पताल में प्रशासन द्वारा एडमिट किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहां की यह हादसा हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह दर्दनाक हादसा कहां पर हुआ है। दोस्तों बता दें कि यह घटना बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में हुआ है। दोस्तों बता दें कि आज सुबह 9 बजे की यह घटना है। दोस्तों बता दें कि एक प्राइमरी स्कूल के सभी टीचर अपने बच्चों को लेकर के सड़कों पर परेड के लिए रैली परेड के लिए निकले थे। और तभी दोस्तों बता दें कि पीछे से एक बस आ रही थी, और दोस्तों बता दें कि बस को पीछे से एक डंपर वाले ने टक्कर मारी, जिसके कारण से बस का ब्रेक फेल हो गया और बस अनियंत्रित होकर के बच्चों के ऊपर चढ़ गई, और जिससे यह घटना आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के समस्तीपुर जिले में देखने को मिला है। तो ये सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि आज बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया है। इस खबर को सुनकर के हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेहद ही ज्यादा दुख जताए हैं। दोस्तों बता दें कि हादसे के बाद दोनों ड्राइवर फरार हो चुके हैं, और फाइनली दोस्तों बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में लगभग 40 से 45 बच्चों की जान जा चुकी है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बेहद ही ज्यादा दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि बाकी जो बच्चे घायल थे उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है प्रशासन द्वारा, और बाकी बच्चों की इस घटना में जान जा चुकी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी औरों के पास भी पहुंच सके, ताकि वो भी आज की इस बड़ी दर्दनाक खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।